हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं रंजीत, आज मैं अपनी ये MR15V2 का काम कराने जा रहा हूँ। इसमें आ गया थोड़ा बहुत खर्चा, और वो खर्चा क्या मैं बताता हूँ। जो इसका जो चैन टेंशनर होता है उसमें साउंड आ रही है किटकिटी। यहाँ यहाँ होता कहाँ होता, आस पास में बीच में यहीं होता है, तो आवाज़ सुना देता हूँ। अगर इसमें आपको आवाज़ आ रही हो तो देख लेना। आ रही आवाज कितनी? दूसरा इसमें इंडिकेटर चेंज करवाने हैं, और तीसरा इसमें कौन सा डलवाना है। यहाँ पे यही आवाज आती है जैसे गड़गड़ गड़गड़ कुछ है, इसमें वाइब्रेट होता है हैंडल। और जो है इसमें शोकर भरवाने हैं, सील डलेगी, और क्या पता नया भी डले इसमें। और बाकी जो काम होगा मैं आगे बता दूंगा, वीडियो में दिखा देता हूँ आगे। अगर पॉसिबल हो सके तो वीडियो बना दूंगा वहाँ पे दुकान पे, तो आपको दिखा दूंगा। और बाकी का बता दूंगा क्या खर्चा आएगा, कितना खर्चा आता है।
तो दोस्तों आर्मन 5 में काम हो चुका है और ये कुछ दिन बाद ही बना रहा हूँ, ये शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो ये जो काम हुआ अभी बता देता हूँ, इसका बिल भी दिखा दूंगा। और जो इंडिकेटर लगे है ये लगे थे 320 रुपये के, और जो इसमें टेंशनर लगा है वो 190 रुपये का लगा था। और जो इसमें जो रोड चेंज हुई है, दोनों रोड चेंज हुई है, और वो हुई थी 1300 रुपये की। और जो इसमें सील डलती है वो 320 रुपये की हुई थी, और जो इसमें जो ऑयल डलता वो 110 रुपये का डला था इसमें, और इसमें कौन सा डला था वो 750 का था, और ये बिल्कुल जेन्युइन था। और जो रोड था ये भी जेन्युइन है कंपनी की, और जो इंडिकेटर है ये जेन्युइन नहीं कह सकता लेकिन बढ़िया क्वालिटी के थे दूसरी कंपनी के। और जो थ्रोटल वायर है इसमें ये मैंने कंपनी का नहीं डलवाए थे, बस इसे ये मैंने कंपनी का नहीं डलवाया, इसे नीचे वाली कंपनी का डलवाया था बीच वाली का। और इसमें चैन टाइट करवाई थी। और जो खर्चा आया था मेरा टोटल आया था 3840 का खर्चा आया था। और ये काम मैंने बाहर से ही करवाया था दुकान से, और जो सामान थे इसका पार्ट थे वो जेन्युइन ही मंगाए थे। और दो ही चीज थे बस, एक ये इंडिकेटर हो गए और ये थ्रोटल वायर होगा जो बिल्कुल कंपनी के नहीं थे, और बाकी जो थे रोड था वो तो इसी का R15 का ही था जेन्युइन। और जो टेंशनर और ये जो कौन सेट वगैरह थे सील थी ये बिल्कुल यामा की पैकिंग की थी ओरिजिनल। तो अभी तक बाइक सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों, बाय।